नमस्कार, वेलकम टू सेंट सोल्जर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। आज मैं आपको एक डिनर की डिश जिसका नाम है दही पनीर, वो सिखाऊंगा आज। चलिए बनाने चलते हैं दही पनीर। आज हम बनाने जा रहे हैं दही पनीर। इसके लिए मैंने 300 ग्राम पनीर ले लिया है और इसके अंदर थोड़ा सा मैं डालूंगा मस्टर्ड ऑयल, और इसको इस तरह से मस्टर्ड ऑयल में हम मैरिनेट करेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ी सी ग्रीन चिली, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और डालेंगे हम हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे मैरिनेट करने के लिए। इसकी सेम रेसिपी है दही चिकन की। मुझसे किसी ने कहा था दही चिकन के लिए, तो दही चिकन की सेम रेसिपी सेम है। इसको इस तरह से मैरिनेट करके हम इसको छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। दही पनीर बनाने के लिए मैं ले रहा हूं देसी घी। देसी घी से फ्लेवर इसका बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। ये हमारा घी हो गया, इसमें डाल रहे हैं हम तेज पत्ता, जावित्री, दालचीनी स्टिक, कालपासी स्टिक, बड़ी इलायची और ये छोटी इलायची। और इसके अंदर हम डालेंगे प्याज चॉप किए हुए। प्याज को हमें ब्राउन होने तक भूनना है। इसमें डालेंगे हम नमक ताकि हमारे प्याज जल्दी से ब्राउन हो जाए। डालेंगे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसमें डाल देंगे मसाले, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और अब इसको हम चलाएंगे। इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, ये अच्छा बढ़िया कलर देगा इसको। इसमें डालेंगे हमारे पनीर के पीसी जो हमने मैरिनेट किए थे। डालेंगे हमारी ग्रीन चिली जो बची हुई है, और इसको एक बार फिर से डाल देंगे। इसमें डालेंगे हम टमाटर प्यूरी,
कि मैंने दो टमाटर की प्यूरी डाली हुई है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी हम, और इसमें लास्ट में हम डाल देंगे दही, और गैस को कर लेंगे कम। इसको हमने 5 से 7 मिनट कुक करना है, बहुत मध्यम आंच पे। ये हमारा दही पनीर बनके रेडी हो गया है, अब इसको हम सर्व करेंगे। ये हमारा दही पनीर बनके रेडी हो गया है। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आता है। हर भरकर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।